जगत गुरु कृपालु परिषद के अंतर्गत मैंने उनको सोशल वर्क के हिसाब से ऐसी राय दी है कि आप लोग हर जगह भौतिक लाभ के लिए, शारीरिक कल्याण के लिए अस्पताल बनवाइए। तो उन लोगों ने मेरे परामर्श के अनुसार मनगढ़ में हॉस्पिटल बनवाया है, बरसाने में हॉस्पिटल बनवाया है, दोनों जगह चल रहे हैं और दोनों जगह एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, नेचुरोपैथी भी है और प्रत्येक कार्य निःशुल्क होता है। गरीबों के लिए ही ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं और इन सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल वृंदावन में बनाया जा रहा है, वो लगभग पूरा होने वाला है, वहाँ भी इसी प्रकार जनता की सेवा की जाएगी। मैं समझता हूँ लोगों को आकर इसका परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए। धन्यवाद एक एक होम हमारा धन्यवाद देता है महाराज। जैसे महाराज पैदा हो दुनिया में तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। कुछ कर रही है वो, उस महान मूर्ति की दया द्वारा काम कर रही है, उनका आशीर्वाद ही हमको लगता है कल दवा कर पकड़ के सबका कल्याण कर रही है। धन है दयाल जैसा कृपालु आपका नाम है वैसे ही गुण मिशा उनको देखे भी नहीं थे ठीक है। धन्य पारी की पारू जी महाराज, कितनों की रक्षा, कितनों को संतान की, कितनों को सुख मिल रहा है। परेशानी यही है कि हमारे कोई नहीं है, बाल बच्चे हैं मगर कोई कमाई नहीं देते एक पैसा, तो इसलिए हम काम करी थी, आई पैर से हम चल नहीं पाए। पर साल तो बहुत तकलीफ रही, यहाँ आए तो महाराज जी की कृपा रहते हम आपका बहुत आराम। हम एक गरीब आदमी हैं, हमारे लिए कल्याण के लिए बहुत आराम है यहाँ पर। महाराज जी ने यहाँ बहुत बड़ी सुविधा कर दिया है, पब्लिक के लिए बहुत सेवा हो रही है, यहाँ पर दान पुण्य कब्बल वगैरह सब मिल रहे हैं। और क्या बाबा जी ने जो कर दिया है वो आज भी वो अमर है, इतना सराहनीय कार्य किया है वो पब्लिक नहीं भूल पाएगी। दर्द होत रहा न मार बचे के मालिक, आशा नहीं रही हमका भगवान ही ठाड़ कई दिन बस मालिक जरूर मेरा। भारत जी जिंदा भाग रहा है, उनका जिंदगी में ना भी कहा है हमारे रहे जहाँ मंदिर देख रहे नहीं, अस्पताल नहीं देख रहे, कभी नहीं आए अंदर कुछ घूम के गए, इसलिए कि यहाँ सब अच्छे बिल क्वालिफाइड अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं और वो दवा यहाँ की फायदा करती है महाराज जी की कृपा से। महाराज जी ने जब से खुलवाया जिस दिन उद्घाटन उस दिन से हमारा पूरा परिवार यहाँ से दवा लिया और पूरे परिवार को बड़ा रिलीफ मिला। हमारी पत्नी तो एकदम ख़त्म होते होते बच गई अब महाराज जी की कृपा से, और महाराज जी को जितना भी कहा जाए धन्यवाद हम देने लायक नहीं, लेकिन जितना कहा जाए हम तो कहते हैं हमारी उम्र महाराज जी।